जय बागेश्वर धाम की, जय बागेश्वर सरकार की। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त सीमा हैदर का केस कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और सीमा हैदर के पीछे हमारी पूरी ATS की टीम लगी पड़ी है, जो हर वक्त उससे सवाल करती ही रहती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अभी कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिससे साबित हुआ है कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं वो एक जासूस है, और कहा जा रहा है कि अब उसकी कराची जाने की टिकट भी कटाई जा रही है। यहाँ सीमा ने बोला है वो मर जाएगी लेकिन वो पाकिस्तान कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान अगर जो वो गई तो वहाँ पर उसको वैसे ही पत्थर मार मार के मार डालेंगे। इसलिए कह रहे मुझे फांसी हो जाए, जेल हो जाए, मैं यही रहूँगी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। अब वो इस बात का दावा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले सब पता चल रहा है कि वो असली में जासूस है या फिर क्या है, या फिर वो सिर्फ प्रेम के ही चलते वो भारत आई है। लेकिन जहाँ तक ये पुष्टि हो चुकी है कि अब वो कराची जाएगी और उसके ऊपर एक लीगल केस बनेगा। अभी बागेश्वर सरकार ने भी कहा है कि इसके बारे में वो जल्द ही बताएंगे, अगर जो कोई वहाँ पर अर्जी लेकर जाता है तो महाराज जी तो एक मिनट में सारी पोल खोल देंगे। लेकिन बस यही है कि कब इसका इंतज़ार है कि महाराज कब सारी बातें, सारी सच्चाई, घटना कब महाराज जी बताते हैं। अब देखते हैं सीमा हैदर के साथ क्या होता है। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा शेयर करें।